आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में खुर्जा के ग्राम टेना के दीपक सोलंकी ने गोल्ड मेडल जीतकर बुलंदशहर जनपद का नाम रोशन किया है। दीपक सोलंकी इससे पहले भी जनपद का नाम रोशन कर चुके हैं। मिस्टर यूपी मिस्टर इंडिया का खिताब भी दीपक अपने नाम ले चुके हैं। हालांकि बच्चों में छोटे शहरों में भी प्रतिभा छुपी होती है, लेकिन स्कोप न मिलने की वजह से बच्चे रह जाते हैं। लेकिन दीपक में स्कोप की चिंता न करते हुए अपने आप को जी जान से मेहनत करते हुए अड़ा दिया और आज खुर्जा का ही नहीं बल्कि पूरे जनपद बुलंदशहर का नाम रोशन किया है। भारत की राजधानी दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता, 7100 रुपए की पुरस्कार राशि भी हासिल की और आज जनपद में अन्य बच्चे भी दीपक की तरह बनने का सपना देख रहे हैं। दीपक का कहना है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए और अपने हुनर में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जिसके अंदर जो भी हुनर है वह स्टेज पर दिखाएं और मुझसे भी आगे बढ़ने का सपना देखें और मुझसे भी आगे बढ़े, जनपद का ही नहीं भारत का नाम रोशन करें। यह भारत के लिए गर्व की बात होगी। ये नए नए युवाओं को प्रेरित करने के लिए और खेल को और फिट इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी है इस चीज़ की, ये उसी उद्देश्य से ये चैम्पियनशिप कराई गई थी। आपको क्या प्राइज मिला है इसमें? मुझे इसमें 7100 रुपये की एक चेक और कुछ सप्लीमेंट के डब्बे और गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट बस। आप मिस्टर यूपी भी रहे हैं पहले? हाँ, वर्ष 2019 में 2019 में मिस्टर यूपी में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। हाँ। जो अलीगढ़ में हुई थी IBBF के तहत। हाँ। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर